55 साल पहले तेरे जैसी आवाज एक जमात ने उठाई, आज कराची के अंदर उनके जो बोर्ड्स लगे हुए थे उन पर बिलों के मसले लेके, इसी वक्त में खिलाफत की आवाज पर खड़े हुए थे, आज बिलों के मसले पर खड़े हुए। क्या हो भाई, एहतजाज किसके खिलाफ है भाई? वापडा के खिलाफ। भाई खिलाफत कहाँ चली गई? वापडा के बिलों में चली गई। समझे बात? याद रखें, गौरतलब नुकता है कि कभी ये नामुमकिन है कि आप सीमेंट की इमारत बनाना चाहते हैं, पक्की मजबूत ऐसी पत्थर वाली वो इमारत बनाना चाहते हैं और बना क्या रहे हैं? गारा सीमेंट जैसी बना के दिखाऊंगा, नुकसान वो वैसे ही पहुंचाएगी गिर के, लेकिन सीमेंट जैसी कभी बन पाएगी? कभी भी नहीं बन पाएगी। लतीफे की बात यह है कि अल्लाह ने पहले दिन कह दिया था खिलाफत उस वक्त खड़ी हो सकती है जब इख्तलाफ खत्म हो, वा तसीमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला कफर। ये खिलाफत खड़ी जब होगी? जब इख्तलाफ खत्म हो, और जमहूरियत का हुसन यह है कि उसमें हिजब इख्तलाफ होता है। जो हिजब इख्तलाफ ना हो तो आपके वोट की कोई हैसियत है ही? दाएं बाजू बाएं बाजू की पार्टी रहेगी, जबकि इस्लाम में दाएं बाएं पार्टियां हैं ही नहीं, एक है बस। हत्ता कि हदीस में अल्फाज हैं कि जब तुम्हारे दरमियान ये खलीफा की बैत हो जाए तो कोई उसके खिलाफ खड़ा हो तो उसको कत्ल कर दो, वो मुसलमानों की जमात में इंतजार करना चाहता है, यानी दाएं बाजू बाएं बाजू की जमात नहीं, एक जमात। अब आप समझे बात, अगर आप अपना तरीका छोड़कर आप चाहें कि किसी और तरीके के जरिए मैं किसी किस्म का कोई बदलाव ला सकता हूं, तो आप तो बदल जाएंगे, इंशाल्लाह बदलाव ला पाएंगे। लुंडे के मौलवी, कौन से मौलवी? मतलब मैं आपको बताऊं लुंडे के मौलवी कौन से हैं, जो आखिरकार पैंट शर्ट पहनकर, भाई हम मगरिब का मुकाबला कैसे करेंगे पैंट शर्ट पहन के? कर कर कर, तू पहला नहीं है। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमों ने भी ऐसे ही खड़े हुए, तू पहला नहीं, कर कोशिश कर। सिवाय इसके कि इस्लाम को मॉडर्नाइज करने की कोशिश तो की जा सकती है, इस्लाम समझाया जा सकता। याद रखें, हर वो तरीका जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने इख्तियार किया वो बेहतरीन तरीका था। उन्हें ज़बानें सीखने की जरूरत थी, उन्हें ज़बानें सिखाई गई थी। उन्हें तहजीबें सीखने की जरूरत थी, उन्हें तहजीबें सिखाई गई। उन्हें जंगों की जरूरत थी, उन्हें जंगें सिखाई गई थी। उन्हें जिस चीज की जरूरत थी अल्लाह के रसूल ने उनको उस चीज की तरबियत, जो उनके लिए जरूरी थी ना दावत और दीन की इकामत के लिए, वो सब अल्लाह के रसूल ने सिखा के गए। कोई नई चीज आप आज ऐसी नहीं लेकर आ सकते जिस पर आप यह दावा करो कि जब तक ये नहीं होगा अब दोबारा से वो काम नहीं हो सकता। अब दोबारा वो काम इसलिए नहीं हो रहा तुम सहाबा वाले तरीके से कर नहीं रहे, और तुम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कुछ तुम्हारी करप्शन भी बीच में मौजूद है जिसका पर्दाफाश होने का तुम्हें डर है। समझ रहे हैं? कुछ करप्शन तुम्हारी भी बीच में मौजूद, कुछ डिक्टेशन पे अमल तुमने भी करना है,